Hello guys, I am Nitesh Tripathi and this is the editorial video from AdCoder regular contest 145 problem A AB palindrome. Okay, so this is not a AdCoder beginner contest. जो A problem है वो उसके C के या D के 400 points. So I guess C के beginner contest के C के comparison में competitive है. ठीक है. So we will see the problem statement, then we will understand and understand its approach, and after that we will see the code for the problem also. But before this, if you haven't subscribed this YouTube channel, you can just go subscribe this YouTube channel, Coding Talk is Newton School, where I'm posting regular editorials plus more computer science and IT industry related videos. And also, if you haven't checked Newton School pay after placement program yet, you can just go check their pay after placement program, in which they will train you as a full stack developer, and after that they will also get you placed. And as the name suggests, you don't need to pay even a single penny until and unless तुम किसी भी कंपनी में मिनिमम ऑफ 5 लाख CTC के लिए प्लेस नहीं हो जाते. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ प्रॉब्लम. आफ्टर दैट इन द एंड वी विल आल्सो सी मोर अबाउट दिस पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम. सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. यू कैन रिपीट द फॉलोइंग ऑपरेशन जीरो और मोर टाइम्स. चूज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर्स इन एस एंड रिप्लेस देम विद ए बी. ओके, एंड डिटरमाइन वेदर एस कैन बी टर्न्ड इनटू अ पैलिंड्रोम और नॉट. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है दैट वी हैव अ स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम विच कैन बी ऑफ मैक्सिमम साइज 2 इनटू 10 इज 5 एंड विच ओनली कंसिस्ट ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. अब दे कैन बी इन एनी ऑर्डर. ओके, एंड स्ट्रिंग इज ऑफ साइज एंड लेंथ एन. वी नीड टू चेक इफ वी कैन टर्न इट इनटू अ पैलिंड्रोम, एंड ओनली ऑपरेशन वी कैन डू इज रिप्लेस टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स विद ए बी. ओके, choose any two adjacent characters. It can be BB, it can be AA, it can be BA, and you need to replace it with AB. Okay, and you can do any number of operations, and you need to tell if you can turn that string into a palindrome. So you need to check one thing. Okay, ek cheez tumhe dekhni padegi isme kya, that to turn a palindrome into a कोई भी स्ट्रिंग है सपोज. ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग है सपोज ये एस है. ठीक, अब एस में तुम्हारे कुछ भी कैरेक्टर्स होंगे सपोज ये एक्स. ठीक है, ये एक्स तुम्हारा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट फॉर नाउ मैंने इसको क्या बोल दिया, ये एक एक्स है. ठीक है, इस क्वेश्चन का जो मेन ऑब्जर्वेशन था मैं वो बताने वाला हूँ, ये देखना. सपोज इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो था एक्स, और ये था जो लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, वो भी वो था एक्स डैश. ओके, अब जो इसके बीच के कैरेक्टर है तुम्हें क्या उनके लिए कुछ डिसाइड करने की जरूरत है, ये देखो. ठीक है, मैं इनके बीच के कैरेक्टर्स को कुछ भी बना सकता हूँ. मुझे पैलिंड्रोम में एग्जैक्टली चाहिए क्या, दैट उसका जो फर्स्ट हाफ है उसके सेकेंड हाफ के इक्वल हो. ठीक है, कि ये मेरी स्ट्रिंग एस है और ये जो एस रिवर्स है ये दोनों इक्वल हो. ठीक है, तो बेसिकली चाहिए क्या, या तो उसके सारे के सारे बीच के कैरेक्टर सेम हो जाएं. ठीक है, या तो सेम हो जाएं. अगर सेम हो जाएंगे तो मुझे बस एक चीज देखनी है कि मुझे एक्स और एक्स डैश को इक्वल बनाना है. अगर इन दोनों को इक्वल बना लिया तब तो वेल एंड गुड, अदरवाइज माय आंसर विल बी नो. ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व करो इसमें कि ये फर्स्ट कैरेक्टर था, ये nth कैरेक्टर था, इसके सारे के सारे बीच के कैरेक्टर्स को जो n-2 कैरेक्टर्स रह रहे हैं मैं उनको एक ऑपरेशन कर सकता हूँ, और उस ऑपरेशन से मतलब वन काइंड ऑफ ऑपरेशन कर सकता हूँ, और उससे या तो मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स ए बना सकता हूँ या तो मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स बी बना सकता हूँ. ठीक है, तुम्हें बस ये चीज ऑब्जर्व करनी थी इस क्वेश्चन में, और उसके बाद ये क्वेश्चन आई होप तुम्हें बहुत ईजी लगने लगेगा. ठीक है, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो देखते हैं कैसे होगा. सपोज ये कैरेक्टर तुम्हारा कुछ भी था एक्स, और ये एक्स डैश था. अब मुझे सपोज इन सारे कैरेक्टर्स को जो भी बीच के थे, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये बी ए बी कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, ये ऐसे हो सकते हैं. आई एम सेइंग दैट आई नीड टू मेक ऑल दीज कैरेक्टर्स एज बी 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 बी. ठीक है, इन सारों को बी बनाना. तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहां से शुरू करूंगा. ठीक है, और एक्स डैश को मुझे चेंज नहीं करना है लेजर से. ठीक है, तो मैं ये करूंगा कि मैं इस पेयर को लूंगा. सबसे पहले इस पेयर को मैंने क्या बनाया, ए बी था, मैंने इसको बी ए बना दिया. ठीक है, उसके बाद मैं इस पेयर को लूंगा, ए बी था, मैंने उसको वापस से ये बना दिया. ठीक है, फिर मैं इस पेयर को उठाऊंगा,
देख रहा, जब मैं यहां से पीछे से मैंने स्टार्ट किया तो मेरे क्या हो रहे हैं, ये भी बी बन गया, ये भी बी बन गया, ये भी बी बन गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये वाले पेयर को ले लूंगा, इसको बी और इसको ए बना दूंगा। अब ये वाले पेयर को ले लूंगा तो इसको बी और इसको ए, फिर अगेन ये वाले पेयर को तो अब ये बी और ये ए, फिर अगेन ये वाले पेयर को तो अब ये बी और ये ए। तुमने एक चीज देखी होगी कि जब मैंने पीछे से स्टार्ट किया लेना तो मेरे सारे के सारे बीच के कैरेक्टर्स बी बन गए। ओके, एंड अब मेरा इस स्ट्रिंग को, एस को पैलिंड्रोम बनाना काफी इजी हो गया। अब मुझे खाली फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को चेकआउट करना है और बीच के सारे कैरेक्टर्स को मैं बी बना सकता हूँ। ठीक है, फाइन। अब यही चीज अगर मैं स्टार्टिंग से करूँ, ठीक है, अगर मैंने ये जो एंड से शुरू किया, मैं यही अगर शुरू से शुरू करूँ, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ये मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखना, यहाँ पे सपोज मुझे सारे के सारे अब ये बीच के कैरेक्टर्स थे, मुझे इनको ए बनाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी ए है, लेकिन मैं एक बार और तरीका बता देता हूँ कैसे। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों लो ए बी बना दो, 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 ये दोनों ए बी बना दो, ये दोनों ए भी बना दो। ठीक है, और लास्ट में ये ले लोगे तो ये जो n-1th कैरेक्टर है ये भी ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। ठीक है, मुझे इसको चेंज नहीं करना था, इसको मैं एंड में देखूंगा। बट एक चीज मुझे समझ में आई कि मैं सारे के सारे बीच के कैरेक्टर्स को ए भी बना सकता हूँ और बी भी बना सकता हूँ कुछ एक पर्टिकुलर फॉलो करके। तो लेट्स से कि मेरे ये सारे कैरेक्टर से मुझे अब कोई टेंशन की जरूरत नहीं, मुझे अब किस में फोकस करना है, एक्स और एक्स डैश में। ठीक है, उस पे फोकस करते हैं। अब या तो मुझे एक्स और एक्स डैश के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ये देखते हैं। या तो मैं दोनों को ए ए बना लूं, ठीक है, या तो मैं दोनों को बी बी बना लूं। ठीक, अब ए बी से, ठीक है, या तो मैं दोनों, मुझे पैलिंड्रोम बनाना, तो मैं या तो दोनों को ए ए बना लूं, ठीक है, एक्स और एक्स डैश को, या तो दोनों को बी बी बना लूं, जब भी मेरी पूरी स्ट्रिंग जो है वो एस पैलिंड्रोम बनेगी। ठीक है, तो अब ए ए और बी बी बनाने के लिए मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, ये देखते हैं। अब ए ए और बी बी बनाने के लिए दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है, एक्स और एक्स डैश। इनिशियली या तो ए बी रहे होंगे, ठीक है, या तो बी ए रहे होंगे। अब बी ए से क्या मैं बी बी या ए बी कुछ बना सकता हूँ, ये देखते हैं। यस, मैं बी ए से बी बी बना सकता हूँ। ये इनिशियली इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज एक्स और एक्स डैश इनिशियली बी ए रहे हैं, ठीक है। तो सपोज ये बी है और ये ए है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे बीच के कैरेक्टर्स को क्या बना देता हूँ, ए बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहां से शुरू करता हूँ, ठीक, इसको बी रहने देते हैं, यहां से शुरू करता हूँ ए बी, फिर इन दोनों को लिया तो ए बी, फिर इन दोनों को लिया, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट वाले में आऊंगा तो ये लास्ट वाला लेके ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। ठीक है, तो सारे बीच कैरेक्टर्स क्या बन गए, ए ए, और फर्स्ट कैरेक्टर भी बी है और लास्ट कैरेक्टर भी मैंने बी बना दिया, तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग क्या बन गई, पैलिंड्रोम, राइट। ओके, ना अब ये दूसरा केस देखते हैं। मैंने बी ए के लिए चेक कर लिया, जब इनिशियली स्ट्रिंग मेरी ए बी है, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज नाउ दैट एक्स एंड एक्स डैश इज ए बी, इन दैट केस क्या कोई भी ऑपरेशन पॉसिबल है, ये देखते हैं। सो एक्स इज राइट नाउ ए एंड एक्स डैश इज बी, और यहाँ पे कोई मैं बीच में कैरेक्टर्स होंगे। तो अब यहाँ से ए से क्या मैं इस कैरेक्टर को चेंज कर सकता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाले दो कैरेक्टर्स चूज कर सकता हूँ, और मैं इस ए को, इन दोनों कैरेक्टर्स को चूज करने के बाद रिप्लेस किससे करना है, ए बी से, राइट। तो ए को मैं चेंज नहीं कर सकता, ए हमेशा ए ही रहेगा। ठीक है, और जो लास्ट कैरेक्टर है मेरा, वहां पे चेक करते हैं क्या, अब ये ए तो फिक्स है, ये ए ही रहेगा, तो मुझे इसको भी ए बनाना है पैलिंड्रोम बनाने के लिए। बट इसमें भी ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों कैरेक्टर्स चूज कर सकता हूँ और रिप्लेस भी किससे कर सकता हूँ, ए बी से, तो ये भी बी ही रहेगा हमेशा।
व्हाट आई एम सेइंग इज जब एक्स और एक्स डैश ए और बी है, इन दिस केस मैं ए को भी चेंज नहीं कर सकता और बी को भी चेंज नहीं कर सकता, सो ये वाला केस मेरा क्या हो जाएगा? नो, इस केस में इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाना इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे एक केस पता चल गया, व्हेन एक्स इज ए एंड एक्स डैश इज बी, इन दैट केस माई आंसर इज नो। एक केस ये मिल गया मेरा। अदर केसेस कैन बी व्हेन योर स्ट्रिंग, जब तुम्हारी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाला केस तो जब भी होगा जब तुम्हारा आंसर नो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस बचा बी ए। अब बी ए से तुम इनिशियली क्या बना रहे थे? बी ए से तुम बना क्या रहे थे? बी बी, है ना, एक्स को बी बना रहे थे और एक्स डैश को भी बी बना रहे थे, राइट। बट इनके बीच में कोई ना कोई कैरेक्टर होना चाहिए, तभी तुम क्या करोगे, इस वाले बी को छोड़ोगे और कोई भी एक बीच में जो कैरेक्टर होगा उसके साथ इस एक्स डैश को चूज करोगे और इसको बीच वाले कैरेक्टर को ए और एक्स डैश को बी बनाओगे, राइट। अगर तुम्हारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ही टू है, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ टू है खाली दो कैरेक्टर से, अब क्या तुम इसको चेंज करके बी बी बना सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। क्या इसको चेंज करके ए ए बना सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, राइट। तो एक केस मुझे ये मिल गया, जब मेरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है, एस डॉट लेंथ है, अगर वो टू है, इन दिस केस अगर मेरा जो स्ट्रिंग है वो पहले से पैलिंड्रोम है, दैट इज या फिर ए या फिर बी बी हो, उस केस में मेरा आंसर येस हो जाएगा, अदरवाइज माई आंसर विल बी नो, ठीक है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो गया? व्हेन माई एक्स इज ए एंड एक्स डैश दैट इज लास्ट कैरेक्टर इज बी, इन दैट केस इज ऑल्सो माई आंसर विल बी नो। इन ऑल अदर केसेस आई कैन मेक दिस स्ट्रिंग एज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारे केसेस मैंने तुम्हें बता दिए और यही ऑब्जर्वेशन करना था तुम्हें। सिंपल सा कोड है, अगर एस का साइज टू है तो एस नॉट इज इक्वल टू एस वन है, दैट इज ऑलरेडी अ पैलिंड्रोम, तो प्रिंट येस, अदरवाइज प्रिंट नो। एल्स में सिंपली चेक इफ एक्स इज ए एंड एक्स डैश इज बी, प्रिंट नो, अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस यू कैन मेक दैट स्ट्रिंग अ पैलिंड्रोम, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्रोबेबली आई विल ऑल्सो पुट एडिटोरियल्स ऑफ बी एंड सी, ओके, इन प्रोबेबली। एंड इफ यू हैवंट चेक न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तुम रजिस्टर कर सकते हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।